हमने भी बात की कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, भारत में उसका उत्पादन और वितरण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण इसका जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत का सूती वस्त्र उद्योग है इसे सिंथेटिक कपड़ों से या सिंथेटिक कपड़ों के उद्योग से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब ये प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्योंकि जो सिंथेटिक रेशे होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, या हम ये कहें कि अपनी मजबूती, टिकाऊपन और धोने पर ये सिकुड़ते नहीं है। इन गुणों के कारण इसका जो प्रयोग है वो कपड़ा बनाने में अधिक हो रहा है वर्तमान समय में, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग को इस सिंथेटिक कपड़ों से बड़ी ही प्रतियोगिता या हम कहें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि भारत में जो लंबे रेशे वाली कपास है उसका उत्पादन जो है वो बहुत ही कम होता है, तो इसकी कमी का भी सामना करना पड़ रहा है इस उद्योग को। तीसरा है, जो उत्पादन होता है सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्रों का, उसमें पुरानी मशीनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, और इस पुरानी मशीनों के अधिक प्रयोग से उत्पादन और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता में भी बहुत कमी आती है। चौथा हम देखते हैं कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग को विदेशी बाजार से भी बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग की। बोलो, आइए अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, जिसे भारत में चीनी उद्योग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि चीनी उद्योग जो है वो एक मौसमी उद्योग है, मतलब चीनी की मिलें जो हैं वो नवंबर से अप्रैल तक केवल 4 से 5 महीने ही काम करती हैं, और वर्ष के जो शेष 7-8 महीने हैं उसमें ये बंद पड़ती है। इसके कारण चीनी की जो उत्पादन लागत है वह भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इस उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनके सामने रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। हमने बात की थी कि भारत में जो गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत कम होता है। उत्पादन तो उत्तर भारत में भी है और दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में हमने विशेष रूप से देखा था कि यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, और इस प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और चीनी के उत्पादन मूल्य का लगभग 60% भाग जो है वो गन्ने पर व्यय होता है। तीसरा, चीनी मिलों का उचित स्थानीयकरण ना होना। चीनी के उत्पादन के लिए दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां मिलती हैं, हमने बात ही की थी, लेकिन जो अधिकांश मिले हैं, चीनी की अधिकांश मिले उत्तर भारत में हैं, तो उचित स्थानीयकरण ना होने का भी इसे प्रमुख रूप से इस उद्योग को सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4 हम देखते हैं, गंधक की समस्या। चीनी बनाने में जो गंधक का प्रयोग किया जाता है ये भारत में कम मिलता है, और इसे अमेरिका से आयात करना पड़ता है, तो ये भी इसके सामने प्रमुख समस्या है कि आयात में जो व्यय होता है, जो लागत आती है, वो इस उद्योग की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, परिवहन पर अधिक व्यय। हमें मालूम है चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है गन्ना, ये एक भारी और सस्ता कच्चा माल है जिसके परिवहन पर बहुत अधिक व्यय हो जाता है। भारत की जो कई मिलें हैं वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों से 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं, जिसे परिवहन का व्यय बहुत अधिक हो जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, गन्ने का ऊंचा मूल्य। प्रायः सरकार जो है वो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है, और ये काफी ऊंचा होता है। इससे किसानों को तो लाभ होता है,
लेकिन जो चीनी उत्पादक हैं उस पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर है मिलों का आकार। भारत में जितनी भी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं, उसमें से बहुत सी मिलें छोटे आकार की हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता कम है। इससे बचत कम होती है और उत्पादन का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। फिर अगला है नियंत्रण का अभाव। भारत के अधिकांश भागों में गन्ने का उत्पादन किसान करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग मिलों में होता है। इस प्रकार उत्पादक क्षेत्रों पर मिलों का कोई नियंत्रण नहीं होता और प्रायः गन्ने की सप्लाई में बाधा आ जाती है। जिन मिलों की अपनी गन्ना उत्पादक भूमि है, उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। फिर है अगला पुरानी मशीनें। भारत की जो अधिकांश चीनी मिलें हैं, उनमें पुरानी मशीनें जो है वो लगी हुई हैं, जो घिस चुकी हैं, और इसलिए उनकी कार्य क्षमता बहुत कम है। तो आवश्यकता है कि इन मिलों में नए ढंग से आधुनिक मशीनें लगाई जाएं। फिर अगला है गौण उपजों का उपयुक्त उपयोग ना होना। जैसे जब जो चीनी मिले हैं, जहां पर चीनी का उत्पादन किया जाता है, वहां पर गन्ने का शीरा, रसमैल और खोई, ये चीनी उद्योग की प्रमुख गौण उपज हैं। इनका उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। शीरे का प्रयोग शराब, अल्कोहल, रसायन, प्लास्टिक और कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए किया जा सकता है, और खोई जो होती है, उससे खोई कागज, गत्ता और नकली रेशम बनाने के काम आती है, और रसमैल से मोम बनाया जाता है। तो जो ये गौण उपज है, इनका उचित रूप से प्रयोग नहीं हो पाता। और अगला जो है वो ऊंचा कर। राज्य सरकार जो है वो गन्ने पर और केंद्र सरकार द्वारा चीनी पर कर लगाया जाता है। इससे चीनी का क्रय मूल्य जो है वो बढ़ जाता है और बाजार में इसकी मांग भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं चीनी उद्योग की। तो इसकी उन्नति के कुछ सुझाव हम देखते हैं कि चीनी उद्योग के विकास के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो योजना आयोग ने चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला है वर्तमान चीनी उत्पादन का ढंग सुधारने के लिए उचित निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। दूसरा, नई मिलों को लगाने की अपेक्षा जो पुरानी चीनी मिलें पहले से ही काम कर रही हैं, उन पर सुधार कार्य किया जाना चाहिए। उनमें अधिकतम शक्ति के साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा है राज्य सरकारों द्वारा जो गन्ने के द्वारा एकत्रित किया जाता है कर, उसको और किसी वस्तु या उद्योग पर खर्च ना करके गन्ने के ही अनुसंधान कार्य पर खर्च किया जाना ज्यादा उचित होगा। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य जो हैं वो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसमें हम बात कर लेते हैं जो 84% सीमेंट के जो कारखाने हैं और 75% उत्पादन क्षमता। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में है। तो इन सब में जो सीमेंट उत्पादन का वितरण हम कहें या उद्योगों के वितरण की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। पहला, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों की संयुक्त उत्पादन क्षमता तथा जो उत्पादक देश के अन्य सभी राज्य से अधिक है। ये दोनों ही राज्य भारत की लगभग 24% उत्पादन क्षमता है और लगभग 22.5% सीमेंट का उत्पादन करते हैं। यहाँ लगभग 14 सीमेंट प्लांट कार्य कर रहे हैं दोनों राज्यों को मिलाकर, और यहाँ पर प्रमुख या मुख्य उत्पादन जो केंद्र हैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, वो प्रमुख हैं। आप मानचित्र पर देख पा रहे हैं सतना, कैमूर, कटनी, मंधार, गोपालनगर, दुर्ग, अकलतरा, जामुल, बनमोर, जाबत और नयागांव। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कई प्लांट जो हैं वो अभी भी निर्माणाधीन हैं। दूसरा, हम देखते हैं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना।
लगभग 10.7% क्षमता है इन दोनों ही राज्यों की, और 18% सीमेंट का वास्तविक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है, और 18% वास्तविक उत्पादन करके भारत का ये दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर कुल 18 प्लांट हैं, जिसमें से अधिकांश जो है वो तेलंगाना प्रदेश में है। लगभग 7 लाख टन उत्पादन क्षमता के साथ पेडडा पल्ली सबसे बड़ा प्लांट है, और अन्य प्रमुख उत्पादन केंद्र में जो कृष्णा, करीमनगर, सीमेंट नगर, विजयवाड़ा, पेनियोन, गुंटूर और मसूलीपट्टनम, ये प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला हम देखते हैं राजस्थान। भारत का लगभग 11% सीमेंट का उत्पादन करके राजस्थान जो है वो देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ अधिकांश उत्पादक केंद्र अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास ही हैं, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस राज्य में कुल 10 बड़े प्लांट हैं जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं, और मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर, लखेरी, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही हैं। अकेले सवाई माधोपुर पर जो प्लांट स्थित है उसकी उत्पादन क्षमता 8.5 लाख टन की है, और यह इस राज्य का सबसे बड़ा प्लांट भी है। इन राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का भी प्रमुख योगदान है सीमेंट के उत्पादन में। इस उद्योग की प्रमुख समस्याओं की हम बात करें तो पहला है कि सीमेंट एक सस्ता और भारी पदार्थ है, जिसके परिवहन की जो लागत है वो बहुत अधिक आती है, इसलिए इसे बहुत अधिक दूरी तक स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बाजार से दूर जो कच्चे माल के पास होते हैं, वहीं पर कच्चे माल की निकटता के कारण ही उन्हें वहां पर स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसके उत्पादन में भी लागत जो है वो बहुत अधिक आती है, इसलिए इसके हमेशा महंगे होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या इन प्लांटों का क्षमता के अनुरूप उत्पादन का ना होना है। भारत में वर्तमान समय में हम देखें तो सीमेंट की 92 बड़ी और 184 लघु इकाइयां जो है उनके द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। अभी हमने जूट उत्पादन के विषय में बात की, हमने देखा कि देश में जो जूट से निर्मित वस्तुएं हैं उनका निर्यात कम हुआ है और इसकी खपत काफी बढ़ गई है। जो विश्व के बाजार हैं उनमें जूट के माल का निर्यात और बढ़ाने के लिए और इसके उपयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, बांग्लादेश और साथ ही साथ थाईलैंड और भारत ने मिलकर जूट इंटरनेशनल की स्थापना की है। आइए हम बात कर लेते हैं इस उद्योग की प्रमुख समस्याओं के विषय पर। ये उद्योग अभी इन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। पहला तो हम देखते हैं जो निर्यात बाजार है, इस निर्यात बाजार में कारपेट व पैकिंग वस्त्र की घटती मांग। दूसरा, निर्यात व्यापार में पटसन निर्यातक जो देश हैं उनके बीच कठिन प्रतियोगिता है, इसका सामना भी इस उद्योग को करना पड़ रहा है। तीसरा, जो जूट निर्मित कारपेट और पैकिंग वस्त्र हैं उनकी लागत मूल्य बहुत अधिक होने से ये काफी महंगी हो जाती है, जो इस उद्योग की प्रमुख समस्या है। फिर नेक्स्ट है जो कृत्रिम रेशे हैं, उन कृत्रिम रेशों के जो कारपेट हैं और पैकिंग के सामान, इन जूट की अपेक्षा जो है वो काफी सस्ते मिलते हैं और साथ ही साथ आकर्षक भी होते हैं। इसके कारण इससे इसे कठिन प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है कच्चे माल की कमी और जो आधुनिक संयंत्र हैं पटसन उद्योग के, उनका ना होना या उनकी मात्रा बहुत कम होना। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जिनका सामना हमारे देश में जूट या पटसन उद्योग को करना पड़ रहा है। पेडडा
पेट्रो रसायन उद्योग की सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में ये है कि देश में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की कमी है, और वर्तमान समय में खनिज तेल का उत्पादन जो है वो मांग की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए विदेशों से इसे बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। तो आयात जो है वो इसकी एक बहुत प्रमुख समस्या है। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1991 में एक नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, और इसका जो है वो बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर जो है इसमें से अनेक नियंत्रण हटा लिए गए थे। इस नीति को बनाने के प्रमुख उद्देश्य ये थे कि अब तक जो लाभ प्राप्त किए गए हैं उन्हें और अधिक बढ़ाना, तो जो लाभ मिल रहा है उन्हें बढ़ाना और साथ ही बनाए रखने के साथ साथ उन्हें और अधिक बढ़ाना। इसके बाद दूसरा इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो है कि उद्योगों की जो कमियां हैं और उनमें जो विकृतियां हैं उनमें सुधार लाना। इसके साथ ही साथ जो उत्पादन वृद्धि, उत्पादन में मतलब जितने भी उद्योग हैं उनमें जो उत्पादन में वृद्धि है उनमें निरंतरता को बनाए रखना, और देश के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना, साथ ही साथ उत्पादन जो हो रहा है देश में उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे शामिल करने के योग्य बनाना। ये जो नई औद्योगिक नीति 1991 में बनाई गई थी, इस नीति में कुछ उपाय किए गए थे इसके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, जिसमें प्रमुख था औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, साथ ही साथ जो विदेशी तकनीकी है उसका निःशुल्क प्रवेश कराया गया देश में, और नेक्स्ट था विदेशी सीधा निवेश FDI को प्रोत्साहन दिया गया, चौथा खुला व्यापार इसे भी प्रोत्साहन दिया गया या खुली छूट दी गई, और पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब इस औद्योगिक नीति के जो प्रमुख या मुख्य लक्ष्य थे, पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब उदारीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। तो जो उदारीकरण है, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इस उदारीकरण के प्रमुख जो उपाय थे, घोषित उपाय की हम बात करें तो ये थे प्रमुख। पहला जिसमें औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया, विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश दिया गया, प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति को अपनाया गया, पूंजी बाजार की सुलभता की गई, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, और चरणबद्ध जो विनिर्माण कार्यक्रम है उनको समाप्त किया गया, और साथ ही साथ औद्योगिक स्थानीकरण कार्यक्रमों में उदारता को अपनाया गया। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत जो प्रमुख था उसमें सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण के दृष्टि से जो संवेदनशील उद्योग हैं उनमें पहले जो छह उद्योग शामिल थे, उन छह जो पहले उद्योग शामिल थे उस सूची में शामिल छह उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी जो वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अब उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सन 1956 से जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया है। सुरक्षित उद्योगों की सूची में परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए पदार्थ और रेल परिवहन जो है वो शामिल हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों को भी कम किया गया है। दूसरी जो इसकी व्यवस्था अपनाई गई थी वो था निजीकरण, या हम जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सन 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन सन 1961 में जो 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे जिनका निवेश 29 करोड़ रुपए का था, वो मार्च
सन 2000 तक इन उद्यमों की संख्या बढ़कर 240 हो गई, और इसमें निवेश भी जो है वो बढ़कर 2,52,554 करोड़ रुपए का हो गया। अब जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है 1991 में, उसमें निजीकरण को बहुत ज्यादा बल दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र को सुधारने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं, उनमें सरकारी नीति के प्रमुख तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सामरिक उद्यमों में सरकारी शेयर, मतलब जो उनमें सरकार की वित्तीय भागीदारी होती है, उसको 26% और उससे भी कम करना। दूसरा, भविष्य में सफल हो सकने वाले जो उद्यम हैं, उनकी पुनर्संरचना और पुनर्जीवन के लिए उपाय करना। साथ ही जो उद्योग बीमार चल रहे हैं, उन बीमार उद्योगों को बंद करना और कामगारों या श्रमिकों के हितों की पूरी पूरी रक्षा करना। पहले बहुत से उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में सूचीबद्ध थे, उनमें से बहुत से जो उद्योग हैं उनकी मान्यता समाप्त की गई है। 1956 का जो औद्योगिक प्रस्ताव था, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब केवल 4 श्रेणी के उद्योगों को ही सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है और अन्य उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, अब तो सैनिक साज सामान बनाने वाले जो उद्योग हैं, उनको भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% तक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित उद्योग हैं, उन्हें विवेक के आधार पर भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य, हम कह सकते हैं, जो घरेलू और बहुराष्ट्रीय निगम हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनको निवेश के लिए अपनी तरफ या अपने देश में आकर्षित करना है, और जो नए क्षेत्र हैं, जैसे खनन है, बैंक हो गया, दूर संचार के क्षेत्र में, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, महामार्ग निर्माण में और प्रबंधन के क्षेत्र में, निजी कंपनियों को उसके लिए खोल दिया गया है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, वो निजीकरण में दी गई सुविधाओं का अब अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका एक माइनस पॉइंट है। फिर जो 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें हमने कहा औद्योगिक विकास के लिए जो तीसरा प्रयास किया गया था, तीसरे प्रयास के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई, उसमें है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, या हम जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसका उसको एकीकृत करना, या हम ये कहें कि उसे मिलाना। इस वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो पूंजी है, पूंजी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, या हम सेवाओं की बात करें, साथ ही साथ संसाधन और श्रमिक, इन सभी का एक देश से दूसरे देश की तरफ जो स्वतंत्रता पूर्वक हम आवागमन कर सकते हैं या आयात निर्यात किया जा सकता है। इस वैश्वीकरण का मुख्य जोर जो है वो घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, इस पॉइंट्स के माध्यम से, जो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना, ताकि वे भारत के जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें निवेश कर सकें। साथ ही दूसरा, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रवेश में आने वाली बाधाएं हैं या प्रतिबंध जो हैं, उन्हें हटाना। तीसरा, भारतीय कंपनियों को भारत में विदेशी सहयोग की अनुमति देना और उन्हें विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रभावशाली उदार आयात कार्यक्रमों को लागू करना, इसके लिए सबसे पहले जो मात्रात्मक प्रतिबंध हैं, उनके स्थान पर टैरिफ्स पद्धति को लागू करना, और इसके बाद शुल्क को
को भी बहुत हद तक घटाना या नहीं रखना। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन के स्थान पर निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दरों के समायोजन को स्वीकार करना। यू तो हम कहें तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है या इसकी जो प्रक्रिया है वो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें अनेक प्रकार की टैक्स में या अलग अलग चीजों में छूट दी जाने लगी थी। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिरक्षा सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृति दी जाने लगी जो पहले नहीं दी जाती थी, अब उन्हें इस क्षेत्र में खुली छूट दी जाने लगी है। कुछ विशेष क्षेत्र ही हैं जिन्हें छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया है और आयात को और लिबरल बनाया गया है, या हम कहें कि और अधिक उदार बनाया गया है। और लेकिन यदि हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, उसको वास्तविक गति तभी मिली जब जुलाई 1991 में केंद्र सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया और तब से लेकर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की दिशा में बहुत कुछ निश्चित कदम उठाए गए हैं। और ये भारतीय रुपये को चालू खाते का पूरी तरह से परिवर्तनीय भी बना दिया गया है। तो ये कुछ नई औद्योगिक नीति 1991 के कुछ प्रभाव थे जिसके माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम ओवरऑल में बात करें इसके जो प्रमुख 6 तथ्य हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है, चाहे हम उदारीकरण के माध्यम से बात करें, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के माध्यम से बात करें, या निजीकरण के माध्यम से, इन सभी क्षेत्रों में के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि इन 6 जो प्रमुख चीजें हैं उन्हें अपनाकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है, जिसमें सुरक्षा, सामरिक या पर्यावरण से जुड़े 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हमने बात की निजीकरण के अंतर्गत सरकारी सेक्टर के लिए जो सुरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या पहले 17 थी जिसे घटाकर 4 कर दिया गया है, और इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए जो निजी क्षेत्र के दरवाजे हैं उसे सरकार ने खोल दिए हैं। केवल परमाणु शक्ति और रेलवे से जुड़े उद्योग ही सरकारी क्षेत्र में बने रहे। तीसरा चीज है इसमें कि किसी भी उद्योग में जो पूंजी निवेश की सीमा है, पहले उसकी एक लिमिट थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, और इसके लिए लाइसेंस और पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब भाई इसके लिए किसी प्रकार के परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। FDI को मान्यता प्रदान की गई है, इससे भारतीय उद्योगों में जो विदेशी निवेश हैं उनके दरवाजे खुल गए हैं। नेक्स्ट है, नई नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों ही जो पूंजी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई है, और FDI का उपयोग घरेलू उपकरणों, वित्त, सेवा और के साथ साथ खाद्य और दुग्ध उत्पादन में भी किया जाने लगा है। तो ये प्रमुख बातें थी नई औद्योगिक नीति की जिसके माध्यम से हमारे देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया है और हमारे देश के औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की गई है। भारत में लौह इस्पात का उत्पादन इस तालिका से हम समझ सकते हैं, 1970-71 से लेकर 1995-96 के बीच हम ढलवा लोहे का उत्पादन, इस्पात पिंड का उत्पादन और जो बिक्री योग्य इस्पात होता है इन सभी का उत्पादन हम इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1970-71 में ढलवा लोहा 70 लाख टन उत्पादन हुआ था, इस्पात पिंड का उत्पादन 61 लाख टन था और बिक्री योग्य इस्पात जो है वो 45 लाख टन उत्पादित किया गया था। वहीं 1980-81 में ढलवा लोहा का उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, 96 लाख टन हो गया, इस्पात पिंड भी 61 से बढ़कर 82 लाख टन हो गया है और बिक्री योग्य इस्पात का भी उत्पादन 45 से बढ़कर 63 लाख टन हो गया। 1990-91 में भी इसमें हमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है,
96 से बढ़कर ढलवा लोहा का उत्पादन 121 लाख टन हो गया, इस्पात पिंड 111 लाख टन, बिक्री योग्य इस्पात जो है वो 93 लाख टन हो गया है। 1993-94 में ये 164 लाख टन, इस्पात पिंड का 142 लाख टन और बिक्री योग्य इस्पात जो है वो 120 लाख टन उत्पादित हुआ। 1995-96 की स्थिति हम देखें तो ढलवा लोहे का उत्पादन 186 लाख टन हुआ, इस्पात पिंड 163 लाख टन हुआ और बिक्री योग्य इस्पात जो है वो 140 लाख टन उत्पादित किया गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1970-71 से लेकर 1995-96 के बीच में सभी प्रकार के इस्पात के उत्पादन में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रगति को हम इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने 1950-51 से लेकर 2002-03 के मध्य के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें सूत का जो उत्पादन है वो करोड़ किलोग्राम में और वस्त्र का जो उत्पादन है वो मिल क्षेत्र के उत्पादन, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र के वस्त्र उत्पादन का जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो तालिका से हम समझ लेते हैं, 1950-51 में हम देख रहे हैं 59.1 करोड़ किलोग्राम जो है सूत का उत्पादन किया गया। यही वस्त्र के उत्पादन को हम देखते हैं, ये करोड़ वर्ग मीटर में है। आपके जो आंकड़े हैं वो मिल क्षेत्र में, मिलों के माध्यम से जो उत्पादन हुआ वस्त्र का वो 372.7 करोड़ वर्ग मीटर, हथकरघा, पावर लूम और अन्य का जो उत्पादन है वो 101.3 करोड़ वर्ग मीटर, और इन सभी को मिलाकर मतलब सूत और वस्त्र का जो उत्पादन है चाहे वो मिल क्षेत्र का हो, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र के, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 474.0 हमको देखने को मिलता है। 1960-61 की स्थिति हम देखें तो सूत का उत्पादन बढ़कर 80.1 हो गया, मिल क्षेत्र का 464.9 हो गया, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र में 209.1 हो गए और टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर 674.0 हो गया। 1970-71 में हम देख रहे हैं ये बढ़कर सूत का जो उत्पादन है वो 101.6, मिल क्षेत्र के वस्त्र के उत्पादन में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलती है। जो 1960-61 में 464.9 था वो 1970-71 में हमें 416.4 देखने को मिलता है, थोड़ी कमी आई है। और हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र के प्रोडक्शन हम देखें तो इसमें लगभग डबल या दुगने से जो है थोड़ी और अधिक वृद्धि हुई है। जो आपका 209.1 था 1960 और 61 में, वो 1970 और 71 में 455.9 हो गया और टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर 870.0 हो गया। 1980 और 81 में हम देखते हैं सूत का प्रोडक्शन 129.8, मिल क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है थोड़ी सी इसमें वृद्धि हुई है 416.8, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र में 682.0 और टोटल प्रोडक्शन जो है वो 1098.8 हो गया है। 2000-2001 के बीच हम देखें तो सूत का प्रोडक्शन 182.4, मिल क्षेत्र के प्रोडक्शन 167.0, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्र में वस्त्र का जो उत्पादन है उसमें हमें आशातीत वृद्धि और बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। जो आपका 3800.5 हो गया है और इस प्रकार से टोटल प्रोडक्शन जो है वो 3967.8 हो गया। अब 2002-03 में हम देखते हैं सूत का प्रोडक्शन जो है वो 149.6 है, मिल क्षेत्र के वस्त्र के उत्पादन 166.2, हथकरघा, पावर लूम और अन्य क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन
3483.5 और इस प्रकार टोटल प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 4197.3। अपने देश में हम सीमेंट उद्योग की प्रगति को देखते हैं तो इस तालिका में आपको 1950 से लेकर 2011 के मध्य के आंकड़े नजर आ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापित क्षमता, वहां पर किया गया प्रोडक्शन जो उत्पादन है, और उस क्षमता का कितना प्रतिशत जो है वो उपयोग किया गया। 1950-51 में 33.0 लाख टन स्थापित क्षमता थी सीमेंट उद्योग की, और यहाँ पर टोटल जो प्रोडक्शन किया गया वो 27.3 लाख टन, और इस क्षमता का जो पूरा उपयोग है वो 100 में 82.7% क्षमता का उपयोग किया गया। 1960-61 में हम देखते हैं स्थापित क्षमता 90.3 हो गई बढ़कर, प्रोडक्शन भी बढ़ गया है आपका लगभग 3 गुना, और वो 70.9 हो गया। और क्षमता का जो उपयोग किया गया उसमें थोड़ी कमी आई है, जो 82 था वो अब 78.5 हो गया है। 1970 और 71 के बीच के आंकड़े देखें तो स्थापित क्षमता फिर से बढ़ गई और ये 181.0 हो गई, प्रोडक्शन बढ़कर 144.0 हो गया, और क्षमता का उपयोग प्रतिशत में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है जो हमें 79.6% देखने को मिलती है। 1980-81 के बीच में देखते हैं 260.9 है स्थापित क्षमता, उत्पादन बढ़कर 211.0 हो गया, और क्षमता का उपयोग जो है इसमें भी वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 81.2% हो गया है। 1990 और 91 के बीच इसमें हमें लगभग दुगने से अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है स्थापित क्षमता में, और ये बढ़कर 600.0 हो गया है, उत्पादन 490.4 हो गया, मतलब लगभग दुगनी वृद्धि इसमें भी हो गई है, और क्षमता का उपयोग जो है वो थोड़ी वृद्धि के साथ 81.6% है। अब हम 2003-04 के आंकड़े देखें तो इसमें स्थापित क्षमता 1517, उत्पादन 1170, और क्षमता का उपयोग थोड़ी कमी आई है और ये 70% हो गया है। 2007-08 में हम देखते हैं 1882 स्थापित क्षमता, उत्पादन 1676, और क्षमता का उपयोग इसमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है जो 70 से 91% हो गया है। 2008-09 में स्थापित क्षमता 2303 थी, उत्पादन 1814, और क्षमता के उपयोग के प्रतिशत में हमें कमी देखने को मिल रही है फिर से, और ये 91 से 79% हो गया है। 2009-10 में प्रोडक्शन 2007 था जो 2010-11 में बढ़कर 2097 हो गया। भारत में पेट्रो रसायन जो उत्पाद हैं उनमें वृद्धि की जो दर है उसको हम देख लेते हैं। पेट्रो रसायन उत्पाद जो पॉलीमर है, कृत्रिम रेशा है, इलास्टोमर है और सर्फेक्टेंट है इंटरमीडिएट लेयर में, वो 1999 से 2000 के बीच और 2000 से लेकर 2001, इन दोनों का हम कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों वर्षों में इनकी क्या स्थिति रही है। तो हम देखते हैं पॉलीमर जो है इसकी उत्पादन क्षमता थी 3837,000 टन में, और उत्पादन जो हुआ वो 2702,000 टन प्रोडक्शन जो है वो किया गया। वहीं 2000-2001 के बीच में हम देखें तो इसकी क्षमता थी 4109,000 टन, और प्रोडक्शन जो है वो किया गया 3441। कृत्रिम रेशा जो था 1999 और 2000 के बीच में इसकी जो क्षमता थी वो 1944,000 टन की थी, और उत्पादन हुआ 1514।
और 2000-2001 के बीच में क्षमता हमें 2002 की थी और उत्पादन किया गया 1555। इलास्टोमर जो है इसकी क्षमता 1999 से 2000 के बीच में 142,000 टन की थी, उत्पादन किया गया 72,000 टन, और 2000-2001 के बीच जो इसकी क्षमता थी वो 145 थी और उत्पादन 77,000 टन का किया गया। सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट लैब में 294,000 टन क्षमता थी, उत्पादन किया गया 326,000 टन का। 2000-2001 के मध्य 312 क्षमता थी और इसका उत्पादन जो है वो 359,000 टन किया गया। कुल में हम देखें तो क्षमता में जो है 6,217 थी, वो बढ़कर 2000-2001 के बीच 6,568 हो गई, और उत्पादन भी बढ़कर 1999 से 2000 के मध्य जो 4,619 था, ये 2000 और 2001 के बीच बढ़कर 5,432 हो गया।